नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिश्मी संचेती और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं के आटे के पापड़ और खींचिया कैसे बनाते हैं। काफ़ी लोगों के सही नहीं बन पाते हैं, तो उन्होंने हमसे फिर से कहा कि आपने जो वीडियो आटे के पापड़ अपलोड किया वो एक बार फिर से हमें अच्छे से समझाएं, ताकि हम भी पापड़ अपने घर पे आसानी से बना पाएँ। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी विधि के साथ में और जो मेजरमेंट होता है, जो क्वांटिटी होती है इंग्रेडिएंट की, वो अगर आपकी परफेक्ट होगी तो आपकी जो पापड़ है, खींचिया है, परफेक्ट बनेंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे। देखिए, सेकने के बाद ये कैसे लगते हैं, थोड़े फूलते हैं, और फ्राई करते हैं तो कितने सारे फूल जाते हैं। तो इसके अंदर अगर इंग्रेडिएंट हम सही यूज करते हैं, सही हम क्वांटिटी यूज करते हैं, तो हमारी चीज़ परफेक्ट बनती है। इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपके भी बढ़िया बनेंगे, और हमारे खींचा पापड़ तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूल रहे हैं। तो चलिए, गेहूं के आटे के खींचा और पापड़ बनाना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन्ग्रीडियंट्स लिख रही हूँ, उसे देख करके आप पापड़ और खींचा घर पे आसानी से बना सकते हैं। बाज़ार के अंदर क्या है, बहुत सारे एक तो मिक्स आते हैं और महंगे भी आते हैं। घर पे आपको ये लगभग 70-80 रुपये से नीचे इतना ही कॉस्ट पड़ेगा, और मार्केट से लेके आएंगे तो डबल 150 रुपये से तो नीचे मिलते ही नहीं हैं, और इसके बाद में 150, 180, 160, 170, 200 रुपये तक मनचाहे भाव लगाते हैं लोग। तो हिसाब से आप देख करके और घर पे सीखिए, घर पे बनाइए, आपके कैसे बने इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, गेहूं के आटे के पापड़ खींचिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे घर पे बने हुए आटे के पापड़ और खींचिया। इन्हें आप एक बार बनाएं और साल भर तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत बड़े सारे डब्बे में स्टोर करके भर करके रख सकते हैं, जब चाहे इन्हें गैस पे सेक के, नमक में सेक कर खा सकते हैं, या फिर ऑयल में फ्राई करके भी खा सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा 250 ग्राम, ये है नॉर्मल गेहूं का आटा जिसके हम रोटियाँ खाते हैं, ये है राइस का आटा यानी चावल का आटा, दोनों की क्वांटिटी है 250-250 ग्राम। इस तरफ नमक देखिए है ये 25 ग्राम, क्वांटिटी का ध्यान रखें, और 25 ग्राम है खार, ये है जैसे बेकिंग सोडा होता है ना, वैसे पापड़ खार आता है मार्केट के अंदर, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जीरा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले, और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे पतीले में 1 लीटर पानी। पानी कितना चाहिए, जितनी आटा होगा ना उससे डबल पानी की ज़रूरत होती है। पानी को बॉईल होने के लिए टिका देते हैं, तो 1 लीटर पानी को मैंने बड़े से पतीले में डाल दिया है और इसको उबलने देते हैं। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम जीरा डालेंगे, और जो हमारी नमक और पापड़ खार है वो भी डाल देंगे। पापड़ खार अगर आपके पास नहीं हो तो आप सोडे का भी, जो बेकिंग सोडा आता है उसका भी यूज कर सकते हो, उससे भी पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। क्वांटिटी ध्यान रखें 25 ग्राम आधा केजी के अंदर। तो ये पापड़ खार और नमक दोनों में हमने डाल दिए हैं, और जो है देखिए इस तरह से उबाल आ जाता है इसका अच्छे से, तो इसको हम पानी को नीचे रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। दोनों जो हमारे आटे हैं उनको मिक्स कर लेते हैं, गेहूं का आटा और चावल का आटा। तो इसके लिए बड़ा बर्तन ले, तो बड़ा सा पतीला ले लिया मैंने। अब जो उबला हुआ पानी है उसको डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे। अब आप देख सकते हो उबले हुए पानी को डालने से इस तरह का हो जाता है, ये देखिए आटा आधे से ज़्यादा पक जाता है, और पूरी आधा केजी आटे के अंदर 1 केजी पानी समा जाता है। अब ये लिया है ओवन, ओवन में के तले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ऊपर लगा दिया ये इस तरह की जाली, और इस पे हम हाथों से थोड़ी ढोकली बनाएंगे। तो इस तरह की आप ढोकली बनाएं, बीच में होल कर दें, रफली बना सकते हैं क्योंकि इसे अभी हमें पकाना है। इनको तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ हैं जो ढोकली बना रही हैं, और तेल से ग्रीस करके इसके अंदर सारी लगा रही हैं।
तो सभी को इसी तरह से हमें बना करके और इसके ऊपर लगा देना है और फिर लगभग पूरे आधे घंटे तक हम इसको पकाएंगे। तो सभी पे मैंने तेल लगाया है ताकि एक दूसरे के चिपके नहीं, जब हम निकालें तो आसानी से निकल जाएं। तो सारी ढोकली तैयार हो गई ना। अब इस गैस के फ्लेम को तेज करेंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए और उसके बाद 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो ये ध्यान रखना, समय का भी काफ़ी होता है, यदि ये अच्छे से नहीं पकते हैं ना तो भी दिक्कत होती है। तो इस तरह का पत्थर रख देंगे इसके ऊपर और फिर पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट तक मैंने इसको हाई गैस पे पकाया और फिर 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया। ये पक करके बिल्कुल से तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे लगभग 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद इसे बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो एक एक ढोकली को इस तरह से निकाल लेना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसका डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ढोकली निकाल ली है और नाइफ़ की हेल्प से इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना कि भैया हम इसको इसका डो बना सकें, तो इस तरह का कोई पतीला ले सकते हैं आप, या इस तरह का मेरे पास सिल्वर का बर्तन है तो वो भी ले सकते हैं। स्टील का होता ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि स्टील से ये ना अच्छे से गूंदा जा सकता है। तो अब हम इसको इस तरह से गूंद गूंद करके एकदम से चिकना सा डो तैयार कर लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हाथों से भी हम इसको चिकना कर लेंगे। अभी इस तरह का देखिए, ये स्टील का पतीला है ना, इस तरह से इसको आप दोनों हाथों से मैश करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक डो प्रिपेयर होगा और एकदम लचीला डो हो जाएगा। जैसे लचीला होता है ना तो बढ़ता बहुत अच्छा है। अब डो तैयार होने के बाद देखिए, मैंने वो लिया है मशीन और इस तरह से एक लोई तैयार करेंगे और इस लोई को हम मशीन के ऊपर प्लास्टिक लगा करके उस पर रख देंगे। ऊपर से एक प्लास्टिक से कवर करेंगे, फिर मशीन से प्रेशर करेंगे तो ये बिल्कुल खिंचिया तैयार हो जाएगा। अब अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हो, बेलना चाहते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी साइज का होता है और थोड़ा आपको पतला पसंद हो, तो आपको क्या करना है, बेल लेना है। तो इसको मैंने कॉटन के कपड़े पे इस तरह से फैला दिया है सूखने के लिए। तो कोई भी जो अपनी पुरानी बेडशीट होती है ना उस पर फैला दे सूखने के लिए। और इस तरह से अब देखिए, आप हाथों से भी बेल सकते हो, यहाँ पे अच्छे से बेले जाते हैं, बहुत सुंदर गोल गोल। नीचे भी प्लास्टिक है, ऊपर भी प्लास्टिक लगा दिया है और फिर इसको इस तरह से गोल गोल बेल लेते हैं। अब ये थोड़ा पतला बन जाता है और अच्छा भी लगता है और पापड़ की तरह बन जाता है, एकदम से अच्छा फैलता है। तो इस तरह से आप हाथों की सहायता से भी बेल सकते हो। और ख़ास बात ये दोस्तों कि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। घर पे बनाते हैं ना, बिल्कुल भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आते, और मार्केट से लाएंगे तो बहुत सारी कॉस्ट भी पड़ती है और वो ज़्यादा नहीं चलते हैं। ये बहुत समय तक चलते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो देखिए, मैंने बहुत सारा बड़ा सारा बेल करके तैयार कर लिया है। इसको भी हम उसी तरह से फैला देते हैं किसी कॉटन के कपड़े पर सूखने के लिए। तो देखिए कितना बड़ा हो गया ना। तो इस तरह से आपको बड़े या छोटे जैसे पसंद हो ना वैसे आप बना सकते हैं। हमारे सारे पापड़ खींचिए बेल करके तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सुखाएंगे। तो ये मैंने फैन में सुखा दिया इनको, लगभग सारी रात ओवरनाइट मैं इनको फैन में सुखा लेती हूँ। अब देखिए, इसको मैंने अब धूप में सुखा दिया है। जब फैन में अच्छे से सूख जाए तो थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दिए। अब आप इनकी देख सकते हो आवाज़ कट कट बोल रहे हैं, यानी अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इनको तीन तरह से सेक करके बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसको नमक में सेकेंगे। नमक को एकदम से गर्म कर लें। जब नमक पूरा गर्म हो जाए तो इस तरह से आप खींचिया डालें और इसको फिर निकाल लें। अब देखिए, अच्छे से एकदम से बहुत ही बढ़िया सेक करके तैयार हुआ है। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी नमक रह जाता है, तो इसको आप किसी कपड़े से पोंछ लें और फिर डब्बे में भर के रख लें। जब जी चाहे खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इतना अच्छा टेस्ट आता है इनका, कुरकुरा हल्के हल्के नमकीन चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दाल चावल के साथ में, चाय के साथ में बहुत ही अच्छे लगेंगे, आपको भी अच्छे लगेंगे। तो ये तो तैयार हो गए हमारे नमक के। अब आप देखिए कितने बढ़िया से टूट रहे हैं। खाने में भी अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, किसी को दें तो भी अच्छे हैं। अब ये मैं सेक रही हूँ यहाँ पे गैस के ऊपर। तो देखिए, गैस पे भी बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। जैसे जैसे पुराने होंगे ना तो बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, गैस वाला भी बहुत अच्छा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तेल के अंदर। तो देखिए, तेल जब पूरा अच्छे से गर्म हो जाए ना तब डालना। और अब देखिए आप कितना, एक मिनट में बस
फ्राई होकर के तैयार हो जाता है। तो ये है गेहूं और चावल के आटे से बने खिचड़ी और पापड़, बहुत ही बढ़िया बने हैं। और आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोई कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी ताकि आपकी परफेक्ट रेसिपी बने, परफेक्ट खिचड़ी पापड़ बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।